आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो विंडो एक्सपी या विंडो 7 या विंडो 8 या विंडो 10 है वो यूज करने वाले हो, तो आज का जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखिए। तो मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्तों के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज का वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं एक्सेल को पीडीएफ में या पीडीएफ को एक्सेल में या जीपीजी में या वीडियो को हम कंप्रेस करने के लिए बहुत सारे वेबसाइटों पर सॉफ्टवेयर वो सर्च करते हैं, हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर वो मिलते हैं, पर सारे सॉफ्टवेयर वो पेड होते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे भी लगाने पड़ते हैं। बट मैं आपको बताने वाला हूँ एक फ्री सॉफ्टवेयर जिससे आप ये बहुत सारे काम एक ही सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। तो आप सोचोगे ये कैसे संभव है, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है जिससे आप लोग ये सारे काम को इजीली कर सकते हो। चाहे एक्सेल की फाइल हो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, पीडीएफ की फाइल हो उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, वीडियो को कंप्रेस कर सकते हो और जीपीजी फाइल को भी पीडीएफ में या और भी फाइलों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो को लंबा न करते हुए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो और देखने के लिए बेल आइकन को वो ऑन कर दे ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपके पास है वो पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सिंपली आपको एक ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, गूगल पे जाना है और फाइल कन्वर्टर नाम से सॉफ्टवेयर अबाउट डाउनलोड करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर अबाउट डाउनलोड हो जाएगा। कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल फ्री, एक ही चार्ज नहीं लगने वाला। तो बेसिकली जो लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं उनको क्या है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे आपको मैं चेक करवा दूं, जैसे एक्सेल की फाइल हो गई, पीडीएफ हो गई या वीडियोज हो गया या फिर कोई वर्ड की फाइल हो गई। वर्ड को पीडीएफ में, जीपीजी में या पीएनजी के अंदर कन्वर्ट करना है, पीडीएफ फाइल को जीपीजी में या पीएनजी में या एक्सेल में किसी भी टाइप से कन्वर्ट करना होता है, या एक्सेल फाइल को आपको पीडीएफ में, जीपीजी में किसी भी फाइल के अंदर कन्वर्ट करना होता है, या वीडियो को हम लोग को कंप्रेस करना पड़ता है, ये सारे काम एक ही सॉफ्टवेयर से हो जाएंगे और बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं देना आपको। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप पैसे दे के खरीदते हो बट इस सॉफ्टवेयर में आप बिल्कुल फ्री करोगे। देखिए मैंने इस वीडियो को कंप्रेस किया है, इस वीडियो की जो फाइल है वो आपको मैं शो करवा दूं कि इसकी प्रॉपर्टीज कितनी है। आप देख रहे हो कि 56.8 MB है, ठीक है, और जो मैंने कंप्रेस किया उस वीडियो की फाइल है ओनली 9.47 MB। फिर भी मैं आपको लाइव चेक करा देता हूं इसको डिलीट करके कि इस वीडियो को मैं कंप्रेस करूंगा तो वीडियो की फाइल कितनी होगी। अभी आप देख पा रहे हो कितना है, ठीक है। अब मैं यहां पे सिंपली क्या करता हूं, कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे आता हूं। ये विंडो 11 है, विंडो 10 में आपके डायरेक्ट ऐसा आ जाएगा, जैसे मैंने मोर करके क्लिक किया था वैसा विंडो 10 में नहीं आएगा, 11 में ही आएगा। तो मैं लो क्वालिटी पे क्लिक कर देता हूं तो ये सिंपली कुछ ही सेकंड के अंदर वीडियो को कन्वर्ट करके दे देगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए डन हो गया। डन होने के बाद आपको सिंपली यहां से कट कर देना है। अब देखो ये जो वीडियो वापस बना है वो कितने एमबी का बना है, ये देखिए बहुत ही कम एमबी का बन गया, जिससे आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में स्पेस कम है तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और क्वालिटी में भी कोई फर्क नहीं आएगा। वीडियो आपको मैं प्ले करके चेक करवा देता हूं। तो एक ये वीडियो जो मैंने कंप्रेस किया है, अब मैं उस ओरिजिनल वीडियो को आपको चेक करवाता हूं। तो चलिए ओरिजिनल वीडियो भी चेक करते हैं। तो ये रहा अपना ओरिजिनल वीडियो, इसमें और उसमें क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपको पीडीएफ फाइल है उसको आपको क्या करना है, सिंपली जीपीजी में या कोई और फाइल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे कन्वर्ट पे आना है और ये देखिए पीएनजी में, जीपीजी में तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं इस पीडीएफ को जीपीजी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे जीपीजी कर दूंगा। तो ये देख लीजिए राइट क्लिक हो गया, अब लगभग फाइलें हैं वो सारी कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखिए जीपीजी के अंदर है वो कन्वर्ट हो चुकी है। अब एक्सेल फाइल है या वर्ड फाइल है इसको भी हम लोग है वो कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो जीपीजी को भी आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, मैं आपको चेक करवा देता हूँ ये देखिए। और मैं यहाँ पे सिंपली कन्वर्ट पे आऊंगा तो ये देखिए आप इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए तो ये फाइलें हैं वो कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये देखिए ये फाइल है वो हो चुकी है कन्वर्ट। तो आप जीपीजी को भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक्सेल की बात करते हैं, एक्सेल फाइल को भी आप वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल फाइल को आप इन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। वर्ड की जो फाइल होती है उसको भी हम लोग वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिए। तो उम्मीद करता हूँ एक ही सॉफ्टवेयर से आप इतने सारे काम कर सकते हो तो आपको एक एक सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है। तो ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर करें। धन्यवाद। कैसे हम लोग किसी भी फाइल को किसी भी तरीके से वो कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।